हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीसीएम ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स किए थे। आज हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। चैप्टर 2 का एग्जांपल 2.1 है, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। इसमें बोला गया दो वेक्टर्स हैं जिसके इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं, बराबर मैग्नीट्यूड्स हैं। कैपिटल ए मैग्नीट्यूड में बता दिया गया कि कैपिटल ए मैग्नीट्यूड है, तो हमने टू वेक्टर्स याद रखने हैं। टू वेक्टर्स हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमें बताया गया। और मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो हमें बताया गया कैपिटल ए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैपिटल ए हमने यहाँ पर लिख दिया है। मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास है बी वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाते हैं। ये दिया हुआ है, पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। हमें क्या निकालना है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो ऐसा हमने डेरिवेशन में भी किया था कि जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर रहे थे, तो उसमें भी ऐसी कंडीशन थी, हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए वेक्टर बी वेक्टर, हमें इसका रिजल्टेंट निकालना था। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। अब रिजल्टेंट के लिए हम फॉर्मूला तो हमें पहले से पता है, हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अब जो हमने डायरेक्ट डिराइव किया था फॉर्मूला पहले, तो वो देख लो। डिराइव क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। डिराइव तो हमने ये किया था क्योंकि फॉर्मूले में जब हम डेरिवेशन कर रहे थे ना, उस टाइम पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए था और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल बी था, इस कारण से फॉर्मूला बना था हमारे पास। लेकिन इस बार क्या है कि दोनों वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है कैपिटल ए, तो हम इस बार वैसे करेंगे जैसे में दिया गया है, बस फॉर्मूला के अंदर वैसे वैसे पुट करते रहेंगे। तो जब हमने स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए पुट कर दिया, प्लस स्मॉल बी की जगह भी कैपिटल ए पुट कर दिया, प्लस टू इंटू कैपिटल ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी है। उसके बाद देखो आगे ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा टू ए स्क्वायर, प्लस टू ए स्क्वायर दोबारा से आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसके अंदर देखो कि दोनों के पास टू ए स्क्वायर टू स्क्वायर टू ए स्क्वायर है, उन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, तो टू ए स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ बचेगा वन प्लस कॉस थीटा। अब कुछ से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगे आपके पास, जो आप प्लस वन के मैथ में भी पढ़ोगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इन आइडेंटिटीज को जैसे जैसे यूज हो रही है ना, आप किसी अलग से पेज पर उनको नोट डाउन करते रहो, ताकि आप एक लिस्ट बन जाए फॉर्मूले की, और जब भी आपको जरूरत हो वहां से आप देख पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होता है। जैसे वन प्लस कॉस थीटा है, ये एक आइडेंटिटी है जिसका आंसर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। कॉस के साथ स्क्वायर लगाना है, आगे टू लगाना है, और एंगल का कर देना हाफ। जो एंगल आपके पास यहाँ पे है ना थीटा, वहां पर थीटा बाय टू है। अब इसी की तरह का एक और फॉर्मूला है, वो है कि अगर मैं यहाँ पर बीच में माइनस लगा दूँ, तो माइनस में क्या होगा, फॉर्मूले में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस की जगह सिर्फ साइन आएगा और बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को नोट डाउन कर लेना। अब आगे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं अंडर रूट में टू ए स्क्वायर, वन प्लस कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, कि इस टू से इस टू को कैंसिल मत करना, क्योंकि ये वाला जो टू है ना वो थीटा बाय टू के साथ है, वो एंगल है एक। ठीक है, अब एंगल वाले डिजिट को तुम बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पर एंगल में एक और टू ऊपर होता, वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं एंगल के अंदर, लेकिन बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, टू इंटू टू, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, टू का स्क्वायर लिखते हैं हम इसको। ठीक है, आगे सेंस बनेगी कि क्यों किया हमने। फिर आ गया ए स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये हमने ऐसे लिखा। अब आपको पता है कि रूट के अंदर से बाहर आने के लिए, रूट से बाहर आने की चाबी क्या है, स्क्वायर होना चाहिए अंदर। सपोज कर लो कि रूट एक जेल की तरह है, ठीक है, इसको ऐसे मान लो कि रूट जो है ना एक प्रिजन की तरह है, जेल की तरह है। इसमें से बाहर आने के लिए आपके पास एक की होनी चाहिए, वो की क्या है, आपको अपने पास एक स्क्वायर रखना है। ठीक है, स्क्वायर आपके पास होगा, आप बहुत आराम से उस प्रिजन से बाहर आ जाओगे। यानी कि अगर मेरे पास रूट ए रूट नाम के एक प्रिजन में मैं बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे पास स्क्वायर आ गया, मेरे पास स्क्वायर नाम की चाबी आ गई, की आ चुकी है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इस की को यूज़ करूँगा, इस जेल से बाहर आ जाऊँगा,
यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी ए। ठीक है, तो वैसे करेंगे हम इसमें। अब टू के पास भी टी है यानी कि स्क्वायर है, ए के पास भी स्क्वायर है, कॉस के पास भी स्क्वायर है, तो सभी बाहर आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा टू ए कॉस थीटा बाय टू। अब इसके अंदर हमसे डायरेक्शन भी पूछी गई रिजल्टेंट की, कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पता है कि टेन अल्फा निकालना होता है, और अल्फा एंगल क्या होता है कि रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा तो क्या होता है कि वेक्टर्स के अंदर आपस में कितना एंगल है, दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है। ठीक है, जैसे वेक्टर थे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो मुझे थीटा पता है। लेकिन सपोज कर लो, मान लेते हम कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो बीच में कहीं पर जाएगा, हम ये मान लेते हैं कि मेरा रिजल्टेंट यहाँ पर जा रहा है। एक्चुअली में हमें अभी इसकी डायरेक्शन पता नहीं है कि कितने एंगल पर जा रहा है, वो हम निकालेंगे। अभी के लिए हमने मान लिया कि ये मेरा रिजल्टेंट है, और इस रिजल्टेंट ने बी वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया वो क्या बनाया, अल्फा, ये बनाया। अब हम क्या करेंगे, टेन अल्फा का जो हमने फॉर्मूला किया था उसको हम यूज़ करेंगे। टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है, बी की जगह कैपिटल ए आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन यहाँ पर ए की जगह भी कैपिटल ए आएगा प्लस बी की जगह भी कैपिटल ए आएगा, देन आएगा कॉस थीटा। अब आगे आएगा ए साइन थीटा, इन दोनों में से ए कॉमन आता है तो हमने ए कॉमन रखा, और यहाँ बचेगा वन प्लस कॉस थीटा। अब दोबारा से ये फॉर्मूला आ चुका है, फिर से हम इसको यूज़ करेंगे। ये बनेगा ए साइन थीटा अपॉन ए, और यहाँ पर क्या जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये मेरे पास आ गया। अब लेकिन क्या है कि हमारा क्वेश्चन तो यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम इस ए से इस ए को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और तो नहीं हम सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर थीटा है, नीचे एंगल थीटा बाई टू है। अब इसको सॉल्व कर लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाला जो एंगल है ना थीटा, इसको भी हाफ में ले आएंगे, ताकि हाफ हाफ वाले आराम से सॉल्व हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि सेम एंगल वाले के साथ ही सॉल्व हो पाता है। अब साइन थीटा है, अब मैं साइन थीटा को हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करूँ, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन टू ए। साइन टू ए का आंसर होता है टू साइन ए कॉस ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास क्या कि साइन थीटा है, अब मुझे थीटा की जगह टू ए मान के चलना है, थीटा की जगह टू ए मान के चलना है, यानी कि अगर मैं थीटा को टू ए के बराबर मान लूँ तो यानी कि हमें जब आंसर में ए यूज़ करना होगा तो हम ए की जगह क्या लिख देंगे, ये टू नीचे आकर डिवाइड होगा, तो ए की जगह हम लिख सकते हैं थीटा बाई टू। समझ आ गया आपको, यानी कि फॉर्मूला तो था ये डबल एंगल वाला, जब डबल एंगल है तो आगे जाकर वो सिंगल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि एंगल का हाफ हो रहा है यहाँ पर फॉर्मूला में। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि जब साइन थीटा है मेरे पास, इसको मैं डबल एंगल मान के चलूंगा, तो ये आगे जाकर आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा मेरे पास, साइन थीटा टू ए का काम कर रहा है, तो इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की जगह टू साइन थीटा बाई टू, एंगल का मैंने हाफ कर दिया, उसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा बाई टू। ऐसे आ गया हमारे पास, अपॉन में क्या है हमारे पास, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा बाई टू है, यहाँ पर कॉस थीटा बाई टू का स्क्वायर है, तो हम एक कॉस थीटा बाई टू से एक काट देंगे, तो हमारे पास साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू बचा होगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, देन बचेगा हमारे पास टेन थीटा बाई टू। आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप कि एंगल हमारे पास थीटा बाई टू है दोनों जगह पर, साइन अपॉन कॉस ये आपको बताइए कि टेन होता है, तो टेन थीटा बाई टू आ गया। अब यहाँ से क्या आता है हमारे पास कि टेन अल्फा की जो वैल्यू निकाल रहे थे, टेन अल्फा की जो हम वैल्यू निकाल रहे थे वो मेरे पास आई है टेन थीटा बाई टू। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है ये टेन वहाँ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, ये मैंने आपको कल बताया था, टेन इन्वर्स हो जाएगा, ये बनेगा टेन थीटा बाई टू, टेन इन्वर्स से टेन कैंसिल हो गया और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई थीटा बाई टू। तो यहाँ से हमने ये निकाला कि मेरा जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर जाएगा और एंगल थीटा का आधा होगा। ठीक है, तो यानी कि आधे एंगल में, अगर ये 60 का था ना मान लो स्टार्टिंग में कि दो वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री था, तो रिजल्टेंट मेरा 30 डिग्री पर 30 डिग्री पर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर बाई ए नंबर। हमें क्या करना है कि वैक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लेट करेंगे कि मेरे पास एक ए वैक्टर है, लेट ए वैक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसी नंबर स्मॉल के से। ठीक है, अब सपोज कर लो इसको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो कोई बी वेक्टर आएगा। हमने क्या बोला कि कोई मेरे पास बी वेक्टर आता है, कैसे आता है कि जब मैं ए वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि हमने ना किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया ए वेक्टर के साथ, तो मेरे पास एक बी वेक्टर आ गया, ये मैंने लिखा हुआ है। अब सपोज करो कि अगर मेरे पास ये नंबर
ठीक है, ये तो नॉर्मल है, हमें समझ आ गया कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर को किसी वेक्टर के साथ, वैसे करते हैं। लेकिन सपोज करो कि इफ के इज नेगेटिव, अगर के नेगेटिव होगा, ठीक है, तो के नेगेटिव होगा तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बी वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, माइनस के इंटू ए वेक्टर, तो यानी कि मेरे पास नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आंसर आ गया। आगे इफ के इज पॉजिटिव, अगर के पॉजिटिव होगा तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या बनेगी, के ए वेक्टर। आई होप कि समझ पा रहे हो आप कि यहाँ पर जो बी वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू आती है के ए वेक्टर, लेकिन यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू क्या आती है, माइनस के ए वेक्टर। यानी कि इसमें क्या हो रहा है ना कि वैल्यू में चेंज आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव का। एक बार अगर आपकी वैल्यू इसमें, सपोज करो कि इसमें आपका आंसर 10 आता है, इसमें अगर आपका आंसर 10 आ रहा है तो ऊपर नेगेटिव वाली में वाली वैल्यू में आपका आंसर जो आएगा ना माइनस 10 आएगा, यानी कि बिल्कुल ही इन्वर्ट हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना कि जिस भी नंबर से आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी भी नंबर से, सपोज कि एक हमारे पास, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो क्या करेगा कि वो ए वेक्टर की जो जो डायरेक्शन होगी ना उसको इन्वर्ट कर देगा। यानी कि एक बार मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि मेरे पास अगर ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किसी नंबर माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ किया, अभी वेक्टर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ना इन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि माइनस के वेक्टर ये इस तरफ आना शुरू हो जाएगा नेगेटिव में। तो सीधी सी बात है, ओवरव्यू बताता हूँ मैं आपको कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन वही रहेगी, जो वेक्टर की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन हो जाएगी इन्वर्ट, सिंपल सी बात। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि सपोज कि मेरे पास ए वेक्टर है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ जा रहा है, इतनी ही वैल्यू लेकर जा रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ए से, तो क्या होगा कि ए वेक्टर की वैल्यू तो उतनी ही है, यानी कि है तो ये ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका ए ही आएगा, यानी कि वैल्यू सेम है लेकिन नेगेटिव वैल्यू लेकर चल रहा है, यानी कि माइनस में लेकर चलेगा, तो यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा प्लस ए में, ये आ जाएगा माइनस ए। नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में जो है ना कॉन्सेप्ट आपका एडिशन वाला यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट एडिशन वाला ही है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का खेल है इसके अंदर। यानी कि अगर अब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने ए वेक्टर को माइनस किया बी वेक्टर में से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ए वेक्टर को माइनस कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इसमें, करेंगे तो एडिशन ही लेकिन नेगेटिव कर देंगे बी वेक्टर को। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर कर देंगे, ठीक है, और आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी कि करना तो हमें एडिशन ही है लेकिन ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का करना है। यानी कि जब हम नॉर्मल एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, तो हमने क्या किया इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट यही कहीं आएगा हमारे पास सेंटर में, तो हम निकाल देते थे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये निकालते थे हम। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जो जिस वेक्टर से माइनस कर रहे हैं, यानी कि सपोज कि हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं, तो बी वेक्टर माइनस में आएगा इस बार, ठीक है, जब माइनस में आएगा तो इस बार हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको ये शो किया हुआ है ना वो हम ऐसे शो करते हैं, तो थोड़ा ईजी रहेगा आपको, हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, और बी वेक्टर का नेगेटिव, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव बी वेक्टर ले रहे हैं, तो नेगेटिव बी वेक्टर कहाँ पर आएगा, इसके ऑपोजिट, तो ये मेरे पास आया नेगेटिव बी वेक्टर। यानी कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को प्लस कर रहे हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा। अब रिजल्टेंट मैंने आपको थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए बोला था कि इमेजिन कैसे करें, यानी कि कोई चीज़ है, कोई बॉडी है जो इस पॉइंट पर है, वो उधर भी जाना चाहती है, वो इस तरफ भी जाना चाहती है, तो क्या कहाँ पर आएगी वो, तो वो आएगी सेंटर में इस तरफ, किसी एवरेज वैल्यू में इस तरफ आएगी, यानी कि वो उस तरफ भी जा चुकी है और इस तरफ भी आ चुकी है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, और रिजल्टेंट को हम कैसे शो करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की फॉर्म में। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, सिंपली हम जो बी वेक्टर था उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी करना हमने प्लस ही है, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की फॉर्म में लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का एंड माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितने है 5, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड मैंने माइनस मैंने जो दोनों के मैग्नीट्यूड है 5 मान लिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 है, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 है, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, करना तो हमने क्या पे क्या है यहाँ पर, हमने प्लस ही करना है, यानी कि हम एक्चुअली में ये काम कर रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पर,
प्लस आना चाहिए माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमने बी की जगह माइनस बी लेकर चलना है, प्लस में क्या आएगा टू ए माइनस बी कॉस थीटा, यही है ना, हमने फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी पुट कर दिया। देन क्या आएगा, हमें मैग्नीट्यूड्स पता है कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है, फाइव है, तो ए की जगह भी फाइव का स्क्वायर आएगा, माइनस बी की जगह भी फाइव का स्क्वायर आएगा। इसमें कंफ्यूज मत रहना कि नेगेटिव कहाँ गया, नेगेटिव मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि माइनस बी की वैल्यू फाइव है, तो माइनस बी की जगह डायरेक्टली फाइव आ जाएगा, प्लस टू इंटू फाइव इंटू फाइव कॉस थीटा, यह है हमारे पास। अब सपोज कर लो कि अगर मान लो कि ये एंगल 60 था, हम इस बार एंगल भी लेकर चलते हैं, ठीक है, हम एग्जांपल कर रहे हैं ना, तो एग्जांपल में हम एंगल भी कलेक्ट कर लेंगे। सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 60 था, तो ये कितना हो जाएगा 120। ऑब्वियसली लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर में क्या होता है कि हमारे पास एंगल्स का सम कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, तो ये वाला आएगा 120। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, थीटा की जगह लिख दिया 120 डिग्री। अब हम करेंगे इसकी वैल्यूज को सॉल्व, हमारे पास ये बनेगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर पहले से ही पड़ा है, प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 × 5 स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। हम क्या करेंगे कि देखो तीन टर्म्स है हमारे पास, 1, 2 और 3, ये तीन टर्म्स है, इन तीनों के पास 5 का स्क्वायर है, तो हमने क्या किया 5 के स्क्वायर को कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या रखा 1 + 1 + 2 cos 120 डिग्री, ये आया हमारे पास। देन हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, अब आपको पता है कि 5 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा है, ये बाहर जा सकता है क्योंकि इसके पास की है, ये अभी इसने बोला कि भाई मेरे पास तो की है, मैं तो बाहर जा सकता हूँ, मुझे जाने दो। अगर मल्टीप्लीकेशन में पड़ा है वो, अगर वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर पड़ा है, यानी कि ये 5 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तब वो बहुत ईजिली जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 5 जा रहा है बाहर, तो बनेगा 5, रूट में हमारे पास बचेगा 1 + 1 2 + 2 cos 120 डिग्री, यह है हमारे पास। देन क्या बनेगा 5 अंडर रूट में क्या होगा, ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 + cos 120 डिग्री। अब वही बात दोबारा से फॉर्मूला आ गया 1 + cos थीटा का, और 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² θ/2, यानी कि यहाँ बनेगा 5 2 2 cos² θ/2 करना था, यहाँ पर थीटा क्या है 120 / 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 60 डिग्री। उसके बाद देखो 5 √2 × 2 = 4 होता है इनटू, अब कॉस 60 की वैल्यू, 10th में हमने किए हुए वैल्यू सभी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 होती है, अब 1/2 का कॉस 60 का स्क्वायर हो रहा है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा, यहाँ पर हमने लिखा 1/4, 4 से 4 हुआ कैंसिल और रूट में बचा 1, रूट 1 तो 1 ही होता है, तो 5 × 5, ये हमारे पास आंसर आ गया 5 यूनिट्स, जो इसका था हमारे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे हमने सॉल्व करना है। इवन आज की वीडियो को जो लास्ट टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमने क्या किया, एक बनाया एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब क्या होगा कि मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, ये मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और ए पर जाकर खत्म हुआ, ठीक है, ए पर इसका हेड है और ओरिजिन पर इसकी टेल है। देन हम ये बताएंगे कि हमारे पास ये कितना एंगल बनाते हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, तो ये हमने बनाया अल्फा एंगल, यानी कि ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया और वाई एक्सिस के साथ इसने बनाया बीटा एंगल, तो ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ए वेक्टर है ना वो रिजॉल्व होगा 2 पार्ट्स के अंदर, अगर हमारे पास 3 एक्सिस होती तो 3 पार्ट में रिजॉल्व हो जाता है, तो पहले हम 2 एक्सिस वाला करेंगे फिर हम 3 एक्सिस वाले पर भी आएंगे। तो अभी हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन लिया, एक वेक्टर लिया और एंगल बता दिए कि एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है। फिर अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे, इसके अंदर हम ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि एक्स के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, एक्स लाइन के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने ए पॉइंट से एक लाइन खींच दी। सेम ऐसे हम इस तरह भी करेंगे जो कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो ये भी हमने लाइन लगा दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमने एक रेक्टेंगुलर कंप्लीट कर दिया, रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर और हमारे पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं बी और सी। एक्चुअल में क्या होगा, जो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस ए वेक्टर को, वो 2 पार्ट्स यही है, ये ओ बी और ओ सी, ये 2 वेक्टर्स आएंगे, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज निकाल कर हम इसको शो करेंगे कि कैसे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है।
अब अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ एडिशन, पर उसमें क्या था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता, अगर मेरे पास सपोज कि ये वेक्टर होता ओ बी वेक्टर और एक होता ओ सी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाता है, ये तो जाता है रिजल्टेंट इसका, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स का एडिशन। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि ओ ए वेक्टर कैसे आएगा, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। अब एक चीज और देखो कि ओ बी को हम क्या बोलते हैं, ओ बी को बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि जो ओ ए है ना उसकी प्रोजेक्शन है ये एक्स एक्सिस के ऊपर, जो ओ बी है। तो प्रोजेक्शन क्या होती है आपको बताता हूँ, देन ओ ए सॉरी जो ओ सी है, ओ सी क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस, यानी कि जो ओ सी है वो इसी ओ ए की प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस के ऊपर। अब इसको समझाने के लिए प्रोजेक्शंस क्या होती है, इसको समझाने के लिए आप एक्सपेरिमेंट देख लो, ये वाला आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन देखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखो कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास रिजल्टेंट है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और रिजल्टेंट। अब इसमें प्रोजेक्शन में मैं क्या पढ़ा था कि यहाँ पर एक पॉइंट बी आता है, यहाँ पर एक पॉइंट बी आता है, तो ओ और बी, ओ बी मिलकर बनाता था एक प्रोजेक्शन। सेम ऐसी दूसरी प्रोजेक्शन बनती थी यहाँ पर, जो थी ओ से लेकर सी तक। अब ये प्रोजेक्शंस आती कैसे हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, इसको ऐसे रखा ऊपर की तरफ, याद रखना है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये मेरा रिजल्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइट का सोर्स लेकर आएंगे। तो लाइट के सोर्स ने क्या किया, अब देखो जैसे कि मैं लाइट के सोर्स को लेकर आता हूँ, तो लाइट के सोर्स ने क्या किया, देखो कैसे ये प्रोजेक्शन बना रहा है, शेडो देख रहे हो आप, एक्स एक्सिस के ऊपर रिजल्टेंट की शेडो देखो कहाँ बन रही है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट उसके लाइन के नीचे बन रही है, तो ऐसे होती है प्रोजेक्शन। तो मैंने क्या किया कि इस प्रोजेक्शन को मार्क कर लिया कि जब मैंने यहाँ पर किया था प्रोजेक्शन बन रही थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया बी। ठीक है, सेम यही केस हम उस तरफ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस की तरफ करता हूँ, लाइट का सोर्स लिया, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ किया हमने। तो जब मैंने इसको वाई एक्सिस की तरफ किया तो देखो आप शेडो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम इसका पॉइंट मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पर शेडो बन रही है, तो हम इसका पॉइंट मार्क किया और यहाँ पर लिखा सी पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये था हमारे पास ओ पॉइंट, तो यानी कि ओ बी ये प्रोजेक्शन थी जब मैंने ऊपर से लाइट सोर्स को लेकर गया था, तो जब लाइट सोर्स ऊपर था तो उसकी शेडो बिल्कुल डायरेक्ट नीचे बन रही थी। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस पर किया, वाई एक्सिस पर मैंने लाइट के सोर्स को यहाँ पर रखा और यहाँ पर हमारे पास शेडो यहाँ तक बन रही थी, तो हमने यहाँ पर इसका सी नाम दे दिया। तो ऐसी होती हैं प्रोजेक्शंस। ओ बी को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर इस रिजल्टेंट की क्या प्रोजेक्शन बनती है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। सेम ऐसी ओ सी क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर। सो वापस चलते हैं बोर्ड पर और वहाँ पर हम इसको डायग्राम में कैसे शो करना है वो शो करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि प्रोजेक्शंस कैसे देखते हैं, कैसे हमने इसको मार्क किया, बी पॉइंट कैसे आया। तो मैं वापस ये लेकर आया हूँ यहाँ पर, तो इसमें देखो हमारे पास ओ एक्स एक्सिस थी, तो ओ एक्स को हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब आपको पता है प्रोजेक्शन हम कैसे लेकर आए थे, ऊपर की तरफ लाइट सोर्स था तो यहाँ पर प्रोजेक्शन बन रही थी ओ बी। तो ये देखो हम जो लाइट सोर्स की दिखा रहे थे कि लाइट सोर्स की शेडो कैसे बना रहा था, तो वो हमने ये लाइन ऐसे खींची थी यहाँ पर, तो ये था इसका प्रोजेक्शन ओ बी। ठीक है, तो ये ओ बी पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। देन हमारे पास सी पॉइंट कैसे आया था, जब हमने क्या किया लाइट सोर्स को इस तरफ किया था, तो उसकी प्रोजेक्शन ऐसे बन रही थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो हमने क्या किया स्ट्रेट लाइन लगाई और यहाँ पर सी पॉइंट आ गया। तो ये कारण था मेरा कि इस स्ट्रेट लाइन्स को परपेंडिकुलरली लगाना, क्योंकि लाइट सोर्स जब बिल्कुल टॉप पर होता है ना, इसके बिल्कुल फ्रंट बिल्कुल टॉप पर, तो लाइट जो होती है ना बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे यहाँ पर लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, लाइट रुक जाती है यहाँ पर, तो शेडो बिल्कुल सीधी बनती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देख लो आप एक बार कंपैरिजन कर लो दोनों का, ये वाई ये सी ये ओ ये बी और ये एक्स, और ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट है। अब उसके बाद आपको समझ आ गया होगा कि कैसे प्रोजेक्शन है, ओ बी प्रोजेक्शन कैसे आया, ओ सी प्रोजेक्शन कैसे आया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आया फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या क्या है, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। ओ बी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास ओ बी है, अब ओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम एक ट्राइंगल मान के चलेंगे। ठीक है, ट्राइंगल है मेरे पास। अब सपोज कि देखो हमें निकालनी है वैल्यू ओ बी वेक्टर की, उसके लिए मुझे ओ बी मैग्नीट्यूड बताना चाहिए, इनटू में इसकी डायरेक्शन बताना चाहिए। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैप भी होती है वेक्टर भी होता है, तो अभी हम यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं। तो मैं आई वेक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पर और इसको लिख रहा हूँ जी वेक्टर। ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस की तरफ अगर आपने डायरेक्शन दिखानी हो ना, तो आप आई की फॉर्म में यूज करोगे।
अगर आपको वाई की डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन दिखानी है तो आप जे जे को यूज करोगे, अगर जेड एक्सिस की तरफ दिखानी है तो आप के को यूज करोगे। तो आई जे के याद रखना, आई जे के एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जो आई और जे है ना, ये यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स क्या होती है, जिनकी वैल्यूज वन होती है, इनका मैग्नीट्यूड वन होता है, ठीक है। यानी कि आई वेक्टर को आप जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आई वेक्टर है, ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है वन है, तो अगर ये फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव ही आ जाएगा, फाइव आई आ जाएगा, मतलब कि वही वेक्टर आ जाएगा मेरे पास वापस। तो याद रखना यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है, ठीक है। काम क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि डायरेक्शन क्या है, यानी कि ओ बी इंटू आई वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन होगी। सेम ऐसे हम ओ सी वेक्टर की अगर बात करें तो ओ सी वेक्टर कैसे आएगा, ओ सी मैग्नीट्यूड इंटू में आएगा जे वेक्टर, यानी कि जे वेक्टर जो उसकी हमारे पास डायरेक्शन आएगी, तो डायरेक्शन बता देगा। अब देखो कि ओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हम निकालेंगे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस हमारे पास ये वाला है ओ बी और हाइपोटेनियस ये वाला है। अगर आपको पीबीएस याद रखना, पीबीएस आपको पता ही है कि जिस एंगल के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉस अल्फा है तो अल्फा के हिसाब से काम कर रहे हैं, उस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, उस एंगल के साथ वाली जो लाइन होती है वो होती है बेस, और 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। तो मुझे अभी क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास ओ बी है और हाइपोटेनियस हमारे पास है ओ ई। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। तो ओ बी क्या है हमारे पास, ओ बी की तो हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ओ बी मैग्नीट्यूड चाहिए ना मुझे, तो ओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओ बी इज इक्वल टू ये वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओ ए वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए तो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल ए होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा ए कॉस अल्फा, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हुआ, ओ ए की वैल्यू स्मॉल ए आ गई और ए कॉस अल्फा मेरे पास आंसर आ गया, यानी कि ओ बी की वैल्यू तो ये है। सिमिलरली हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, इस ट्राइंगल को सॉल्व क्यों कर रहे हैं, बीटा के लिए, क्योंकि मुझे इस बीटा के हिसाब से सॉल्व करना है। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे ए सी ओ, जब ए सी ओ ट्राइंगल सॉल्व करेंगे इसमें भी हम कॉस बीटा निकालेंगे, यानी कि आपको कॉस ही निकालना है, ठीक है, कॉस की वैल्यूज निकालनी है, तो कॉस बी निकाल रहे हैं, कॉस बी। अब देखो इसमें इसमें पी डी एच क्या है, एंगल है, हम बीटा के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो बीटा है मेरे पास, इस बीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, और ये मेरे पास हो गया बेस। अब कॉस बीटा निकालना है, कॉस बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी अपॉन ओ ए आ गया। फिर इसके अंदर भी हम वैसी वैल्यू निकालेंगे, ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ओ ए वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ओ ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम जनरल फॉर्मूला निकाल के देखें तो जनरली हम क्या देख पा रहे हैं कि जो भी आप एंगल के हिसाब से सॉल्व करो उसके साथ कॉस लगाओ, और क्या करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लगाना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लगाओ, कॉस के साथ वो एंगल लगा दो, तो आपको उसी का प्रोजेक्शन मिल जाता है, ठीक है। सपोज कि मेरे पास जैसे मैं जनरल फार्मूला यूज़ करूँ, जनरल फार्मूला मैंने क्या बनाया कि अगर आपको कोई प्रोजेक्शन निकालनी है, कोई भी प्रोजेक्शन निकालनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, रिजल्टेंट देन कॉस में उसका एंगल, सिर्फ वो डालना है। यानी कि अगर मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ ओसी की, तो रिजल्टेंट क्या मेरे पास ए है कॉस, और वो एंगल वहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, ओसी के साथ एंगल क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस बीटा। तो ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है, कि जनरली हमें याद क्या रखना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस उसका एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया था, ये नंबर वन लिया था, इस नंबर वन में हमें वैल्यूज पुट कर देंगे, देन ओ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए वैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए वैक्टर की वैल्यू क्या थी, ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर, देन ओ बी वैक्टर की जगह क्या आएगा, एक वैक्टर अपने साथ मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन लेकर चलता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हमें निकालनी है, ओ बी निकाल लिया, तो यहाँ पर हम ओ बी की वैल्यू पुट करते हैं ओ बी वैक्टर की जगह, ये आएगा ए कॉस अल्फा। अब इंटू में डायरेक्शन क्या है इसकी, आई वेक्टर, मैंने बताया था ना कि आई वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, वो डायरेक्शन बताएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई वेक्टर, ठीक है। समझ आ गया आपको कि ओ बी वेक्टर की जगह ये हमने कैसे लिखा, आई वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ अपने साथ एक वैल्यू तो अपने साथ वन लेकर चलेगा लेकिन डायरेक्शन बता देगा बस, ठीक है। प्लस ओ सी वेक्टर क्या है, ओ सी की वैल्यू हमने वैल्यू की निकाली थी ए कॉस बीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो हमारे पास ए कॉस बीटा आ गया, इंटू में डायरेक्शन क्या है, जी वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आ गया हमारे पास ओ ए वेक्टर को हमने कर दिया रिजॉल्व, यानी कि ओ ए वेक्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, 3D में पढ़ेंगे।
तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 3D में करेंगे, 3D में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि 3D में हमने क्या करना है, इनको कैसे इनको रिजॉल्व करना है, उसमें क्या होगा, हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वेक्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।